मेरी हूँ और आपके साथ मैं हूँ निर्मला राव। आइए शुरुआत करते हैं सुबह समाचार की इस वक्त की सुर्खियों के साथ। मुंबई के कल्याण में रिक्शा चालक की पिटाई का मामला, पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। बिजनौर में लूट की योजना बनाने वाले चार आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों से दो तमंचे और जिंदा कारतूस किए बरामद। बिजनौर में पति की हत्या, आरोपी पत्नी पुलिस की हिरासत में। और धौलपुर में छात्राओं से अश्लील हरकत करने का मामला, ग्रामीणों ने प्रशासन और पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। और अब खबरें विस्तार से। फर्रुखाबाद जिले में बढ़ती बाइक चोरी को देखते हुए एसपी के आदेश पर स्वात टीम प्रभारी कुलदीप दीक्षित ने अपनी टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर धीरपुर चौराहा नबीगंज वाले रोड पर एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने 5 बाइक चोरी करने और बेचने की बात कबूली। उसके बाद उसकी निशानदेही पर 9 बाइक और साथ में पंकज कुमार नाम के एक बाइक चोर को भी गिरफ्तार किया है। जनपद फतेहगढ़ के स्वाट टीम के प्रभारी सब इंस्पेक्टर कुलदीप दीक्षित को यह सूचना मिली थी कि एक बाइक चोर बाइक से कहीं जा रहा है। इस सूचना पर इन्होंने घेरेबंदी की, मोहम्मदाबाद थाने की पुलिस को भी साथ लिया और घेरेबंदी में उसे पकड़ा, उसे पूछताछ की गई। पूछताछ में मालूम हुआ कि उसके पास जो बाइक थी वह भी चोरी की थी। इसके अलावा और कई सारी बाइक उसने पहले चुराई थी, उसमें उसका एक साथी भी था। तो मौके पर जो पकड़ा गया अभियुक्त, इसका नाम संतोष कुमार पुत्र बाल किशन उर्फ गुड्डम, ये वेवर जनपद मैनपुरी का रहने वाला है। इसकी निशानदेही पर 8 अन्य मोटरसाइकिलें अलग अलग ब्रांड की जो विभिन्न स्थानों से चोरी की गई थी वो सब बरामद हुई। इस प्रकार कुल 9 मोटरसाइकिलें बरामद हुई और एक दूसरा अभियुक्त पंकज कुमार जो कि इसके साथ चोरी में शामिल रहा। लखीमपुर खीरी के कोतवाली पसगावा के क्षेत्र भीलावा में बीती रात रघुवीर राठौर अपने परिवार के साथ आंगन में सो रहा था। इसी दौरान परिवार के ऊपर अचानक दीवार गिर पड़ी जिससे दबकर 5 लोग बुरी तरह घायल हो गए और रघुवीर की दीवार के नीचे दबने से दर्दनाक मृत्यु हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया और शेष घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। अगली खबर लखीमपुर खीरी से है जहां निघासन थाना पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। निघासन पुलिस ने नशे के व्यापार करने वाले गिरोह को धर दबोचा है और ब्रेजा कार में सवार 4 लोगों की गाड़ी की जब जांच की गई तो उसमें 600 ग्राम कोकीन मिली। अभियुक्तों के पास 2 देसी तमंचे, 15 बोर और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। ये 4 अभियुक्त, एक ये मोहम्मद मियां है, एक लबीन खान उर्फ गुड्डू और इलियास एक अफसर अली, ये 4 अभियुक्त निघासन में गिरफ्तार हुए हैं जिनके पास से 649 ग्राम कोकीन पाउडर, 2 तमंचे और 2 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस ये बरामद हुआ है। इसके अलावा एक ब्रेजा कार इनसे बरामद हुई है और नकद 1,050 रुपये इनसे बरामद हुआ है। जो कोकीन पाउडर इनसे बरामद हुआ है इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में 1.5 करोड़ रुपए कीमत बताई जा रही है और ये लोग यहाँ इस तरीके से गतिविधियाँ संचालित करते थे और अभी इनसे पूछताछ की गई तो जानकारी हुई है कि इनका सरगना गाज़ियाबाद में है और 3-4 महीने पहले वह पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। उसके संबंध में हम गाज़ियाबाद से संपर्क करके जानकारी जुटा रहे हैं और यहाँ ये किस किस तरीके से गतिविधियों को अंजाम देते थे उसके संबंध में पूछताछ की जा रही है। कहाँ से लाते थे नशे? जो इनका सरगना है जो अभी पूछताछ में बताया है वो गाज़ियाबाद का रहने वाला बताया, गाज़ियाबाद जो पुलिस ने पकड़ा था। अभी उससे क्या पूछताछ हुई और उससे क्या बरामदगी हुई थी बहुत सारी चीज़ें वहाँ से भी स्पष्ट हो पाएंगी। यहाँ जनपद में इनका सरगना जो लबी खान उर्फ गुड्डू है,
यह था। बिजनौर में एक अनूठा मामला सामने आया है जिसमें बिजनौर के सियोहारा थाना पुलिस द्वारा अपने पति की गला रेत कर हत्या करने वाली आरोपी महिला को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला द्वारा पूछताछ में बताया गया कि उसकी शादी सलाउद्दीन नाम के एक व्यक्ति के साथ काफी समय पहले हुई थी, मगर सलाउद्दीन लगातार उस पर शक करता था और साथ ही उसके साथ मारपीट भी करता था। अंततः परेशान महिला ने पति की गर्दन पर वार कर उसकी हत्या कर दी और जब सुबह पड़ोसियों को इस बात का पता चला तो उसने पंखा गिरकर गर्दन कटकर मृत्यु होना बताया। पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी महिला को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। चलो ये सर, सिवारा थाना पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया है, क्या पूरा मामला है? अभी दो दिन पहले थाना सिवारा क्षेत्र में सलाउद्दीन नाम के व्यक्ति की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में उसके भाई ने थाने पर तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस टीम ने खुलासा करते हुए ये पाया है कि उसकी पत्नी ने रात को सोते वक्त उसका गला काट दिया। पत्नी इस बात से परेशान थी कि पति उस पर शक करता है। उनहेल थाना क्षेत्र के बेलखेड़ी गांव में रविवार को आकाशीय बिजली गिरने से पिता पुत्र की एक साथ मृत्यु हो गई थी। उसके बाद पीड़ित परिवार को राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष से 4,00,000 रुपए की मुआवजा राशि स्वीकृत की गई। इसे मंगलवार को पूर्व विधायक मदन लाल वर्मा, पीसीसी सदस्य भैरू सिंह बापू, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष भगवान सिंह, ब्लॉक सचिव जैन, गोपाल सिंह चाड़ा, केशव सिंह, नारायण सिंह ने मृतक के घर जाकर उसके छोटे पुत्र को स्वीकृत राशि का चेक सौंपा और परिवार को सांत्वना भी दी। जो प्राकृतिक आपदा आई और प्राकृतिक आपदा में जिस प्रकार जो है आकाशीय बिजली गिरने से पूरे झालावाड़ जिले में जो है 4 व्यक्तियों की अकाल मृत्यु हुई, उसमें जो है आज बेलखेड़ी में भी जो हमारे जो है दो पिता पुत्रों की जो है अकाल मृत्यु हुई है, तत्काल जो है मुख्यमंत्री सहायता कोष से हमने उनसे निवेदन किया और 4,00,000 रुपए जो है पर हेड जो है मुख्यमंत्री जी ने इसकी स्वीकृति जारी की और आज इनका स्वीकृति पत्र जो है उनके जो है जो एकमात्र जो पुत्र बचा जो नाबालिग भी है उसको जो है इसके स्वीकृति पत्र जारी कर दिया और 8,00,000 रुपए जो है इनके जो है ऑनलाइन खाते में। बिजनौर की कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देश पर कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अपनी बहन के साथ लूट करने वाले आरोपी भाई को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार हुए दोनों अभियुक्तों के पास से पुलिस ने 35,000 रुपए बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने लालच में आकर अपने साथी वसीम शहबाज उर्फ भूरे और वसीम के साथ मिलकर अपनी बहन के खाते से पैसे निकालकर खुद को लुटवाने की योजना बनाई। कोतवाली देहात पुलिस ने आरोपी भाई और उसके साथ ही वसीम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। धौलपुर जिले के सैपो उपखंड के राजकीय विद्यालय राजपुर में सैकड़ों की तादाद में ग्रामीणों ने पहुंचकर जिला प्रशासन और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और जमकर हंगामा किया। स्कूल का मुख्य गेट बंद करके सड़क पर खड़े होकर ये लोग काफी देर तक नारेबाजी करते रहे। मामले की सूचना पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कृष्णा कुमारी और कोलाई थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से समझाइश कर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया और मामले को शांत कराया। छात्राओं ने जानकारी देते हुए बताया कि वह अपने गांव नौरंगाबाद से राजपुर के सरकारी विद्यालय में पढ़ने के लिए आती है। इसी बीच राजपुर विद्यालय में ही अध्ययनरत मानपुर गाँव के कुछ छात्र रास्ते में आए दिन छात्राओं से अश्लील हरकते करते हैं। आपको बता दें कि बीते सोमवार के दिन छात्राएं पढ़ाई के बाद अपने गांव नौरंगाबाद जा रही थी, तभी मानपुर गांव के 8-10 लड़के उनके पीछे आए और अश्लील हरकतें करने लगे। तभी छात्राओं के साथ गांव के 2 युवकों ने इसका विरोध किया तो आरोपी छात्रों ने एक राय होकर दोनों छात्रों पर ईंट पत्थरों से हमला बोल दिया। इससे एक छात्र के सर पर गंभीर चोट लगी है और घटना की जानकारी जब पीड़ित छात्राओं की नौरंगाबाद गांव के ग्रामीणों को हुई तो ग्रामीणों को गुस्सा फूट पड़ा और मंगलवार को सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण ट्रैक्टर बोलेरो और डीसीएम में सवार होकर विद्यालय पहुंच गए, लेकिन ग्रामीणों की भीड़ को देखकर आरोपी छात्र वहां से फरार हो गए, जिस पर ग्रामीणों ने स्कूल प्रांगण में जमकर हंगामा किया। शिक्षा विभाग और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की।
मामले की सूचना पर मौके पर पहुंचे मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कृष्णा कुमारी और कोलारी थाना प्रभारी राम निवास ने पहुंचकर ग्रामीणों के खिलाफ को आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया और मामले को शांत किया। बाप थाना क्षेत्र के शेखासर गांव में मंगलवार रात्रि को एक व्यापारी के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया और मारपीट की। व्यापारी के साथ मारपीट की घटना के विरोध में बुधवार को ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। ग्रामीणों ने शेखासर के बाजार बंद करवा कर बाप से रामदेवरा जाने वाली सड़क पर प्रदर्शन किया। मिली जानकारी के अनुसार शेखासर में बस स्टैंड पर चंपालाल प्रजापत की दुकान संचालित होती है। मंगलवार रात्रि करीब 9 बजे प्रजापत अपनी दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने अचानक आकर उन पर हमला कर दिया और मारपीट शुरू कर दी। असामाजिक तत्वों ने प्रजापत के साथ लूटपाट की और फरार हो गए। इस घटना के विरोध में फिलहाल शेखासर बाजार बंद है और प्रदर्शन के दौरान शेखासर सरपंच गिरधर सिंह भाटी, पूर्व सरपंच नरपत सिंह भाटी, कांग्रेस नेता अलादीन शेखासर, इंद्रन गोस्वामी, भोम सिंह शेखासर, चंद सिंह गोस्वामी सहित सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण उपस्थित रहे। डोंबिवली में रिक्शा स्टैंड मालिक यूनियन और रिक्शा चालकों में हमेशा तनातनी देखने को मिलती है। डोंबिवलीपुर के शैलार चौक निवासी बाबा साहेब श्याम सुंदर कामले की शनिवार को रात जानकी होटल से कुछ लोग रिक्शा से उठाकर ले जाने की सूचना मिली। परिजनों को जब ये जानकारी मिली तो उसका भाई सिद्धार्थ उसकी खोज में निकला तो देखा कि उसका भाई खून से लथपथ शैलार चौक पर पड़ा है। बाबा साहब कामले ने बताया कि दत्ता मालिकर, रवि मालिकर और उसके अन्य 5-6 दोस्तों ने मिलकर लोहे के रॉड और कॉपर वायर से उसकी पिटाई की है। जख्मी बाबा साहब को पहले मनपा के शास्त्री नगर अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसके बाद में मुंबई के KEM अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया। फिलहाल डोंबिवली पुलिस ने उक्त हमलावरों के खिलाफ 343, 324, 143 और 147 धारा के खिलाफ धारा में मामला दर्ज कर पुलिस ने दो आरोपियों संजय विठल, जे के और कृष्णा कल्याणकर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक बिजनौर के निर्देशन पर बिजनौर की थाना किरतपुर में थाना कोतवाली दया टीम द्वारा अतीक उर्फ बोनी सलीम नासिर और संजय दत्त रईस और भूरा के दो तमंचे और 315 बोर में जिंदा कारतूस और एक अवैध चाकू और लूट की घटना में प्रयुक्त की गई बुलेरो के साथ व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष शेख खालिद गुड्डू ने फिर से भिवंडी में बिजली सप्लाई करने वाली टोरेंट कंपनी के विरोध में हल्ला बोल आंदोलन करने की तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि टोरेंट पावर कंपनी के मनमानी कारोबार के खिलाफ जनता के हक के लिए आवाज उठती जा रही है, जिसे लेकर कई बार प्रदर्शन भी किया गया। इसी कड़ी में टोरेंट पावर पर लगाम लगाने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक शरद पवार ने हस्तक्षेप करते हुए टोरेंट कंपनी की मनमानी कारोबार को लेकर टोरेंट के आला अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक की, जिसमें टोरेंट के अधिकारियों ने कई मांगों को माना था, लेकिन आज तक टोरेंट की मनमानी का आलम यह है कि किसी भी मांग पर अमल नहीं किया गया। इसके साथ ही खास बात यह रही कि लोकसभा चुनाव के दरमियान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भिवंडी की एक जनसभा में टोरेंट पर खूब निशाना साधा और कहा कि लोकसभा चुनाव खत्म होते ही टोरेंट पर इंक्वायरी बिठाएंगे, लेकिन आज तक मुख्यमंत्री ने किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार आखिरकार इतनी उठापटक के बाद गिर ही गई है। विधानसभा में मंगलवार को मुख्यमंत्री HD कुमार स्वामी के नेतृत्व में गठबंधन सरकार विश्वास मत हासिल नहीं कर सकी। विश्वास मत के विरोध में 105 जबकि समर्थन में 99 वोट पड़े। गठबंधन सरकार कुल 6 मतों से हार गई और विश्वास मत जीतने में कामयाब नहीं हो सकी।
इसके साथ ही भाजपा ने कहा है कि वह कर्नाटक में सरकार का दावा पेश करेगी। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों ने बताया कि बुधवार को पार्टी पर्यवेक्षक बेंगलुरु जाएंगे। पर्यवेक्षक भी विधायक दल की बैठक में शामिल होकर बीएस येदियुरप्पा को नेता चुनेंगे। बता जा रहा है कि येदियुरप्पा शुक्रवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं और साथ ही उन्होंने इस संबंध में पार्टी नेताओं को भी सूचित कर दिया है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्यमेव न्यूज, हमेशा सच के साथ।